लाभदायक हो आपका निवेश। मैं हूं देवेश। एक ओर भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक देश है, दूसरी तरफ केन्या भी बड़े पैमाने पर गेहूं इंपोर्ट करता है। लेकिन आज से कुछ सालों पहले केन्या को समझ में आया कि भारतीय गेहूं में फंगस होता है, भारतीय गेहूं में कीड़े होते हैं। यह बात कहकर केन्या ने भारतीय गेहूं के इंपोर्ट पर बैन लगा दिया था। उस समय भारतीय गेहूं में कीड़े नहीं थे। जो शिपमेंट केन्या ने खरीदा उस शिपमेंट में हो सकता है कि फंगस हो। कुल मिलाकर तब जो है भारतीय गेहूं के इंपोर्ट पर रोक लगाने से अच्छा होता कि केन्या जो है टेस्टिंग स्टैंडर्ड विकसित करता। जो भारतीय गेहूं केन्या के स्टैंडर्ड्स पर खरा होता था उसी गेहूं को केन्या खरीदता। यह होता वैज्ञानिक तरीका। लेकिन केन्या ने साइंटिफिक अप्रोच नहीं अपनाई, उसने पूरे भारतीय गेहूं को एक झटके में बैन कर दिया। अब आप ध्यान दीजिए, एक तरफ केन्या को भारतीय गेहूं में दिखते थे कीड़े, दूसरी तरफ केन्या अपनी जरूरत का 60% गेहूं इम्पोर्ट करता था रूस यूक्रेन से। केन्या को अभी भी जरूरत है गेहूं की, लेकिन उसे गेहूं नहीं मिल पा रहा है रूस यूक्रेन से। इसलिए केन्या में गेहूं, आटे, ब्रेड और रोटी सबके दाम आसमान छू रहे हैं। इसलिए केन्या की अकल ठिकाने पर आ गई है। केन्या अपने इंस्पेक्टर्स भारत भेज रहा है ताकि भारत में आकर वह देख सकें कि भारतीय गेहूं में फंगल इन्फेक्शन है या नहीं, भारतीय गेहूं में कीड़े हैं या नहीं, यह टेस्ट करने के लिए केन्या से इंस्पेक्टर भारत आ रहे हैं। मूलभूत रूप से केन्या मजबूरी में महान बनने की कोशिश कर रहा है। उसे गेहूं की जरूरत है। दुनिया भर में गेहूं के दाम चढ़े हुए हैं। भारत के अलावा उसे कहीं से सप्लाई मिलेगी नहीं। इसलिए बैन को हटाने के लिए वह दिखाना चाह रहा है कि भारतीय गेहूं में फंगस है या नहीं, यह उसने चेक किया। इसलिए खाना पूर्ति के लिए वह अपने इंस्पेक्टर भारत भेज रहा है। भारतीय गेहूं का इंस्पेक्शन करें, उसमें दिक्कत नहीं है। दिक्कत है केन्या के एटीट्यूड में। केन्या को अपना बर्ताव बदलना होगा। केन्या को गेहूं का एक दाना भी एक्सपोर्ट करें उसके पहले हमने केन्या से लिखित में एग्रीमेंट करवाना चाहिए कि भविष्य में केन्या जो है फालतू की बहानेबाजी नहीं करेगा। पूरी भारतीय गेहूं खराब है, यह संभव हो ही नहीं सकता। केन्या को लगता है तो वह भारत में अलग से टेस्टिंग करवा ले। जो भारतीय गेहूं केन्या के टेस्टिंग को पास करे उसी गेहूं को केन्या खरीदे। अभी केन्या के पेट में चूहे उछल रहे हैं। वो गेहूं मांग रहे हैं और हमने गेहूं दे दिया तो हमारी समस्या का लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। एक दो सालों के बाद केन्या फिर भारतीय गेहूं के मुंह पर काले पोत कर उस पर बैन लगा देगा। इसलिए मौका आ गया है केन्या की समस्या का समाधान करने का। अपनी मन मर्जी के अनुसार बैन लगाने की व्यवस्था को छोड़कर जब केन्या साइंटिफिक अप्रोच को अपनाएगा तभी होगी भारतीय गेहूं की असली जीत। अब दोस्तों जरा ध्यान दीजिएगा, शेयर मार्केट में जो अभी गिरावट आई है दोस्तों, वह निवेश का बहुत सुंदर मौका सामने खड़ा हुआ है। यदि आपको आती है टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस की कलाएं तो मार्केट में उतार चढ़ाव आती रहेगी। आप झूले की तरह उसका आनंद लेते रहेंगे और साथ में पैसा अपने आप बनता रहेगा। यदि आप टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस की बेहद आसान कलाएं सीखना चाहते हैं तो ध्यान दीजिए, अगले 2 दिनों के बाद आत्मनिर्भर इन्वेस्टर कोर्स पर मिल रहा भारी भरकम डिस्काउंट हो जाएगा खत्म। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है लिंक, उस पर क्लिक करके आप आत्मनिर्भर इन्वेस्टर कोर्स जितने जल्दी ज्वाइन करेंगे उतने ज्यादा फायदे में रहेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय श्री राम।